कैसा हैवान आदमी था, मासूम बच्ची का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे राक्षस भी दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में रहते हैं, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ पापा, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमारे समाज में ऐसे केस होते रहते हैं, लेकिन हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। कभी भी ये नहीं सोचते कि बच्चों पर क्या बीतती होगी। जानती हो प्रतिज्ञा, हमको कितना बुरा और शर्मनाक लग रहा था। हम तो उस घटिया पियोन को जान से मार देना चाहते थे, और उसकी सजा भी यही है। भैया ये घटना एक बड़ी घटना जरूर है, लेकिन ये इतनी भी शर्मनाक नहीं है कि इसके लिए अपने घर की शांति भंग की जाए। हाँ एक बुरी घटना है जो दुर्भाग्यवश हमारी चिंकी के साथ हुई है, लेकिन ये किसी के भी साथ हो सकता है, और इसके लिए जरूरत है हर किसी के ऐसी चीजों के प्रति सचेत रहने की। और खासकर आजकल के जमाने में चिंकी तुम हो या फिर समर, तुम लोग बच्चे जरूर हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी सही और गलत जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी पैरों के बीच में, ऊपर नीचे या फिर सीने पर छुए, तो उसे ऐसा करने से मना करो, या फिर जोर से चिल्लाने लगो और वहां से भाग जाओ, और भाग कर सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास आओ और मम्मी पापा को सब कुछ बताओ। बेटा ये बातें जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि माँ बाप इसमें अपने बच्चों के साथ खड़े रहे, उनका साथ दे, ना कि उन्हें नजरअंदाज करे। तुम एकदम सही कह रहे हो प्रतिज्ञा। ए चिंकिया, तू नाम का माफ कर दे, तुम्हारी माँ होके इतना भी नहीं समझ पाई कि तुमका क्या परेशानी थी। माफ कर। आज यार बहुत देर हो गई, शहर का भी ट्रैफिक ना मेट्रो जैसा होता जा रहा है। हारुषि खाना लगा दो यार, बहुत भूख लगी है। तन्मय बेटा अभी तक तो खाना बना नहीं है। इतनी देर हो गई, खाना क्यों नहीं बना? क्योंकि बेटा आदर्श और कोमल उस चपरासी को पकड़वाने के लिए गए थे जिसने हमारी बच्ची के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। प्रतिज्ञा और कृष्णा भी उसके साथ गए थे, अब अकेली आरुषि रह गई थी। अकेले खाना बनाने में वक्त तो लगता ही है ना। अरे यार क्यों इस मामले को सब यहाँ खींचे पड़े हैं यार, मिल तो गई थी सजा उसको यार। अब हटाओ आगे बढ़ो, भूखा मार डाला सब। हमें मुद्दे को काहे हटाएं? और तुम होते कौन है ये सब बोलने वाले? साला हमारी बेटी नरक से गुजर रही है, कुछ दिन पहले उसका हंसना खेलना बंद हो गया था। अरे यार हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हम बस ये कहना चाह रहे थे कि इस मामले को जितना जल्द हो सके हमें खत्म करना चाहिए, ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, बेचारी चिंकी की मानसिकता पर फर्क पड़ेगा। बस करो तन्मय, अपना झूठा लगाव का दिखावा दिखाना बंद करो। सब जानते हैं तुम्हें यहाँ किसी से या चिंकी से जरा सा भी लगाव नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे इस परिवार के लोगों को कुछ हो या ना हो। आदर्श क्या हो रहा है ये सब? अरे यार पापा देखिए ना, ये आदर्श भाई हमको क्या कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में लोगों के साथ क्या हो रहा है। सदस्य नहीं है क्या हम इस घर के? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा हमें? तो फिर क्यों सब लोग हमेशा हमारी इज्जत के पीछे पड़े रहते हैं यहाँ? ए नंदोई जी, अगर तुमका ये घर में रहने से समस्या और परेशानी हो रही है ना, तो तुमका ना यहाँ रहने की कोनो भी जरूरत नहीं है। इना बेहतर होगा कि तुम अपने लिए रहने के लिए कोनो दूसरा बंदोबस्त कर लो। अब तुम ये घर को छोड़ के कहीं और रहे बो, यही बेहतर रहेगा। हम क्यों ये घर छोड़े? हमारा इस घर से कोई संबंध नहीं है क्या? नहीं, तुम्हारा संबंध ही घर से। और तुम
होते कौन हो हक से घर में हमेशा रहे वाले? ये घर के बेटा हो या बेटी जो तुम इतना हक जताए रहे, तुम ये घर के दामाद हो। और एक दामाद एक मेहमान की तरह होता है, जो आता है, रहता है और सराफत से चला जाता है। और तुमरा अब जाने का टेम आ गया है। हाँ कोमल ठीक कह रही है, तन मैं अब बहुत हो चुका है। एक महीने के अंदर तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढ लो बस।